हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, थंबनेल देख के और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके रिलेशन में हो रही है। सो गाइस, टीवीएस अपाचे आरटीआर V4 वर्जन जो है वो फाइनली इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। एंड प्राइस वगैरह की बात तो थोड़ी आखिर में करेंगे, कॉन्फिगरेशन स्पेसिफिकेशन की बात भी थोड़ी आखिर में करेंगे। सो गाइस, इसमें क्या अब आपको नया मिल रहा है वो एक्चुअल में मेन डिस्कस करना है, क्योंकि अब आपको इसके अंदर मिलती है द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर, जो कि आपका एनटॉक के अंदर आता था, जिसके अंदर आपको नेविगेशन और वो सब चीजें मिल जाती थी। सो गाइस, वो सारे एडवांस फीचर्स अब आपको अपाचे आरटीआर 200 के अंदर मिल रहे हैं। सो गाइस, अगर हम यहाँ पे इस फीचर्स की बात करें, सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स है जो आपका अलाउ करता है आपके स्मार्टफोन्स को कनेक्ट करने का विद द बाइक, और एक ऐप है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है स्मार्ट कनेक्ट मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी। तो ये काफी सारे फीचर्स है जो आपकी फ्रंट एलईडी डिस्प्ले है, सामने जो बाइक की डिस्प्ले दी गई है उसके अंदर काफी ये जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स आपको वो डिस्प्ले पे दिखाता है। लाइक द नेविगेशन, रेस टेलीमेट्री, आपका टूर मोड, लीन एंगल मोड, क्रैश अलर्ट एंड कॉल एंड एसएमएस नोटिफिकेशन। सो गाइज, अगर हम यहाँ पे इन फीचर्स की बात करें, सो मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं, तो सबसे पहली चीज जो आपका लीन एंगल मोड है वो आपका कैसे काम करता है। सो गाइज, जब आप अपने ब्लूटूथ फोन के ब्लूटूथ से आप बाइक का जो मीटर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, बाइक के साथ एक्चुअल में कनेक्ट करेंगे, तो गायरोस्कोप जो है वो ऑन करने को बोलेगा। सो जैसे जैसे आप लीन करेंगे और आपका फोन भी आपके साथ साथ लीन होगा, तो उस एंगल से वो जो लीन करेगा उस हिसाब से वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड करेगा, और वो सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाएगा कि आप इतना एंगल नीचे गए और इतना एंगल आपने बाइक को टिल्ट करा। सो गाइज, नेक्स्ट थिंग आती है रेस टेलीमेट्री। तो ये कैसे काम करता है, बेसिकली इट इज अ डाटा रिकॉर्डर जो आपकी पूरी की पूरी राइड जो है, किस तरीके से आपने रेस दी, किस स्पीड पे आप गए, वो सारी की सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड करेगा, और वो लास्ट में जाके आप जब उसको रोकेंगे तो फाइनली आपको बताएगा। आप वो चेक कर सकते हैं, अपने ऐप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, एंड आपके मीटर के अंदर भी वो बताएगा कि ये चीजें आपके साथ आज बाइक में हुई हैं। सो गाइस, नेक्स्ट चीज जो आती है वो आता है आपका क्रैश अलर्ट सिस्टम, जो कि बहुत ही अमेजिंग मेरे को फीचर लगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, सो क्रैश अलर्ट सिस्टम आपका नोटिफाई करता है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर विद इन 3 मिनट्स। अगर आपकी बाइक सपोज गिर जाती है, आप कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, सो बेसिकली ये जो है ये आपके फोन के साथ कनेक्ट होगा, और जो आपने टॉप 3 कॉन्टैक्ट सेव करे होंगे एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग या कुछ क्रैश होता है तब का, तो ऑटोमेटिकली उन 3 नंबर्स पे कॉल या नोटिफिकेशन जाएगी या एसएमएस जाएगा। सो बहुत सही चीज ये चीज इन्होंने निकाली है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है, और ऐसी चीज हर बाइक के अंदर, हर स्कूटर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यार एटलीस्ट आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मेरे को शायद ये भी लगता है कि अगर हमारा शायद लोकेशन वगैरह भी ऑन होगा, तो हो सकता है शायद ये उस बंदे को एक लोकेशन भी सेंड कर दे कि यार इस बंदे का यहाँ यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो प्लीज जाके आप वहां जाके देख ले। सो यार, ये बहुत ही सही टेक्नोलॉजी है, और व्हाट यू गाइस थिंक, यार ऐसी टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से कंपनी वाले चाहे 5-7 हज़ार रुपये फालतू कर दें, बट यार ऐसी टेक्नोलॉजी और भी बाइक्स और स्कूटर्स जो है उनके अंदर होनी चाहिए। सो गाइज, अब बात आती है इंजन स्पेसिफिकेशन की, क्या डायमेंशंस हैं, क्या सब कुछ है, सो वो भी आपको आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहली चीज, ये बाइक जो है आपकी 2 कलर्स के अंदर आ रही है, ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में आ रही है एंड व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन में आ रही है, एंड द प्राइस इज अबाउट 1,14,000 एक्स शोरूम पैन इंडिया, विच इज अबाउट गुड 5-6,000 रुपीज मोर देन द नॉर्मल वेरियंट, बट यार वो 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से देना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो गाइज, अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो सेम 197.7 cc का आपको इसके अंदर इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की 8,500 rpm के ऊपर। 8,500 rpm के ऊपर आपको 20.2 bhp मिल जाती है। एंड अगर हम यहाँ पे टॉक की बात करें, तो 18.1 nm का टॉक आपको मिल जाता है 7,000 rpm के ऊपर। सो फुल टॉक जो 18.1 nm का है, 7,000 rpm क्रॉस करते ही आपको पूरा का पूरा टॉर्क भी मिल जाएगा। 5-speed गियरबॉक्स है, बट यार 6 मेरे हिसाब से 200 cc की सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में एटलीस्ट 6 गियर होने चाहिए। ये कंपनी वाले को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ी और रिफाइनमेंट बढ़ जाती है। एंड सिंगल सिलेंडर है गाइज। एंड अगर हम यहाँ पे टॉप स्पीड की बात करें, तो 128 km/h की टॉप स्पीड है इस बाइक की, एंड जो कि आपकी 0 to 60
सो गाइस 0 to 60 ये बाइक आराम से कवर कर लेती है 3.95 सेकेंड्स में, अंडर 4 सेकेंड्स आपकी 0 to 60 कर लेती है, विच इज प्रिटी फास्ट फॉर अ 200 cc मोटरसाइकिल। सो गाइस अगर हम यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज प्रिटी डिसेंट। व्हील बेस मिलता है आपको 1353 mm का। अगर हम पीछे के टायर की बात करें तो 130 by 70 एंड 17 inches के आपको पीछे का टायर मिलता है, और अगर हम यही फ्रंट की बात करें तो 90 by 90 एंड 17 inches का आपको फ्रंट पे टायर मिलता है। डबल क्रैडल फ्रेम है आपका, फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक्स दिए हुए हैं, 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, सीट हाइट इज अबाउट 800 mm विच इज प्रीटी डिसेंट, एंड 5556 वाला बंदा भी आराम से इस बाइक को चला पाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे वेट की बात करें तो गाइस वेट इज अबाउट 151 kg विच इज प्रीटी डिसेंट। ठीक है, इट्स नॉट दैट हैवी, इट्स नॉट दैट लाइट, क्योंकि यार ज़्यादा हल्की भी बाइकें हो जाती हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। डुअल चैनल ABS मिलता है आपको इसके अंदर, एंड ऑयल कूल्ड कार्बोरेटर सिस्टम आपको इसके अंदर मिल रहा है। एंड गाइज अगर हम यहाँ पे एवरेज की बात करें सो द कंपनी इज क्लेमिंग अबाउट बिटवीन 30 to 40, दे आर ऑल्सो नॉट श्योर कि यार एक्चुअल में एवरेज कितनी आ रही है, अप्रॉक्स है तो 30 से 40 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द राइडिंग स्टाइल एंड डिपेंडिंग अपॉन द राइडिंग कंडीशंस, आपको कितना बाइक देगी वो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो गाइज दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि आपको इस बाइक के अंदर मिल रही हैं। एंड अगर हम यहाँ पे प्राइस की बात करें सो 1.14 लाख्स, अगर हम ऑन रोड बात करें सो इट्स गोना बी लाइक 1,30,000 रुपीज, 1,30 to 35,000 रुपीज, विच इज अ प्रीटी डिसेंट अमाउंट फॉर अ 200 cc मोटरसाइकिल। और अब आपको इसमें जो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर दिया जा रहा है वो भी बहुत ही अमेजिंग है, जो कि इस बाइक को अब और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है एक्चुअल में। सो गाइज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और आप इस बाइक को आगे इन फ्यूचर लेने का सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइज आज की वीडियो के लिए नहीं, आई होप यू आर अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो, दुनिया खुशी देगा, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.